निकल गए हम लोग घूमने के लिए और जा रहे हैं सिटी पार्क। बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। पिछले साल मैंने व्लॉग बनाया था सिटी पार्क का, तो पिछले साल मतलब अक्टूबर में बनाया था मेरे व्लॉग, मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं सिटी पार्क का व्लॉग। और अभी हम लोग फिर से सिटी पार्क जा रहे हैं, तो अब तो और ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। तो ये रहा आबिद और ये रहे सब लोग पीछे, रानी रूपी वगैरह सब लोग हैं पीछे। और अब जा रहे हैं हम लोग, और वहाँ जाने के बाद ज़बरदस्त सब लोग बनेगा। आ गए हम लोग सिटी पार्क और बाहर से ये देख सकते हैं आप। अब जाएंगे हम लोग अंदर, पहले टिकट नहीं थी यहाँ पर, अब टिकट है। और कितने की है ये तो मुझे मालूम नहीं है, अंदर जाके मैं आपको बता दूंगी कितने की टिकट। बाकी हो गया बहुत ज़्यादा खूबसूरत, भीड़ बहुत रहती है। और आज संडे है तो संडे को तो और ज़्यादा भीड़ रहती है। तो ये देखिए रश, और सामने मेला लगता है हमेशा ही। और ये रहा सिटी पार्क, ये है टिकट काउंटर। तो 20 रुपीज़ की टिकट है, ये हाज ने ले ली टिकट। और उधर सब ने ले ली टिकट बिकॉज वो लोग बहुत दूर हैं, तो उन लोगों ने तो अपनी टिकट ले ली। और मैं यहाँ पर खड़ी थी तो इसीलिए मैंने अपनी टिकट यहाँ से ले ली। हे गाइस, हाउ आर यू? आई एम गुड एंड फाइन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आए हम लोग सिटी पार्क। सिटी पार्क दिखाऊंगी मैं आपको, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया है पहले से ज़्यादा। और यहाँ पर है पार्किंग, तो काफ़ी बड़ी पार्किंग है यहाँ पर कार और बाइक की। और चलो फिर अंदर से दिखाती हूँ अपने। फोटोग्राफी वगैरह, रील्स वगैरह बहुत अच्छी आएगी यहाँ पर। बस पेड़ बहुत है, अगर फाउंटेन चल, फोटोग्राफी अलग, अगर अगर अपन खुद फोटोग्राफी करवाना चाहते हैं तो यहाँ कैमरामैन भी, ये देखो आप कैमरामैन भी घूम रहे हैं यहाँ पर, तो फोटो खींच के लिए आपको देंगे। और बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि कैमरे वगैरह लोग रहते हैं तो वो फोटो देते हैं। गार्डन, ये रे फाउंटेन, बहुत बड़ा गार्डन है ये, बहुत बड़ा मतलब इतना बड़ा गार्डन है। इसको घूमने में कम से कम 4 से 5 घंटे चाहिए। अगर अच्छे से घूमना है, रील्स वगैरह वीडियो शूट करनी है, तो बस इतना टाइम तो चाहिए चाहिए। ये रही लाडो और ये रहा अरहाज। मज़ा आता है ऐसे पानी के अंदर खेलने में, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा खेल नहीं सकते हैं पानी से, बस ऐसे ही मज़े लेंगे। यहाँ पर रील्स वगैरह भी बनाऊंगी, वो भी आप लोग जरूर देखना। और चलो अंदर चलते हैं। तो ये चल रहे हैं यहाँ पर फाउंटेन, बड़ा ही खूबसूरत है ये देखो आप, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आपको अगर घूमना है, पैर से चला नहीं जा रहा है, तो बग्घियाँ भी चलती हैं यहाँ पर पूरा घुमाने के लिए। और क्योंकि गार्डन इतना बड़ा है कि पैदल चल के पॉसिबल हो ही नहीं पाता है, जो चल सकते हैं वो तो घूम ही लेते हैं, लेकिन जो नहीं चल पाएंगे उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है। कितने लोग आते हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। देखिए ये देखो कितना बड़ा गार्डन है, ये अब दिखाऊंगी मैं आपको, क्योंकि सिटी पार्क का मैंने व्लॉग शूट करके रखा है, आप लोग जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। उस टाइम पे थोड़ा डेवलपमेंट कम था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हो गया है। एक साल के बाद फिर से मैं यहाँ का व्लॉग शूट कर रही हूँ। ये मूर्तियाँ वगैरह बनी हैं, तो यहाँ पर भी लोग सेल्फियाँ बहुत ज़्यादा लेते हैं खड़े होकर। अब ये क्यों बनाई है ये तो नहीं पता, लेकिन ये देखो इस तरीके की बनी है, पत्थर की है ये सब। देखो ये भी नया बना है, पहले नहीं था जब मैंने ब्लॉग शूट किया था, और अभी नया बना है। और यहाँ पर भी ये भी नया बना है, यहाँ भी फाउंटेन वगैरह सब चलते हैं, अभी नहीं चल रहे हैं। वो हमारे देश का झंडा, और बहुत बड़ा है, दिखाऊंगी मैं आपको आगे, जहाँ तक पैदल जाऊँगी वहाँ तक दिखाई दूँगी। फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छी जगह है, सब लोग फ़ोटो ले रहे हैं अपने अपने। यहाँ से इतनी दूर से मैं यहाँ तक आ गई पैदल चलते चलते, और अभी तक भी ये गार्डन ख़त्म नहीं हुआ, मतलब ये बहुत पीछे तक है। ये देखो जहाँ तक दिख रही है आपको हरियाली, पेड़,
वहाँ तक ये गार्डन फैला हुआ है पूरा, और अभी भी काम चल ही रहा है इसका। ये देखो, ये रहा हमारा तिरंगा झंडा। और ये बंद हो गया है, 9 बजे ये बंद हो जाता है, तो पूरे दिन तो चालू रहता है, बाकी 9 बजे ये बंद हो जाता है। सब जा रहे हैं, देखो शूट मैंने कर लिया है, 9 बजे सिटी पार्क बंद हो जाता है, तो इसलिए आप लोग जो हैं जल्दी आएँ, 4-5 बजे करीब आ जाएँ तो अच्छे से घूम पाओगे, बिकॉज़ 9 बजे बंद हो जाता है। तो बस यहाँ से निकल रहे हैं सभी लोग, थोड़ा सा शूट और कर लूँगी मैं लास्ट में, वहाँ पर रील वगैरह बनानी है तो वो मैं बना लूँगी। अभी फ़िलहाल सब जा रहे हैं, 9 बजे से पहले ही खाली करवा रहे हैं, बिकॉज टाइम लग जाता है, बहुत बड़ा है, सबको इधर उधर से निकालना पड़ता है इन लोगों को। देखो 9 बज गए हैं और इन लोगों ने ये सब लाइटें वगैरह सब कुछ बंद कर दिया है। मैंने सोचा था कि रील्स वगैरह शूट करूँगी, लेकिन क्या करूँ, लाइटें वगैरह सब बंद हो गई। टाइमिंग मुझे भी नहीं मालूम था, इन लोगों ने इस तरीके का टाइमिंग कर दिया है। अब पहले तो नहीं था, लेकिन अब जल्दी आएंगे और यहाँ पर रील ज़रूर शूट करूँगी, बिकॉज बहुत अच्छी रील्स बनती हैं यहाँ पर, और मेले तो यहाँ लगते हैं ही, और काफ़ी अच्छा गार्डन है, सभी कुछ है, बट हम लोग थोड़े से लेट हो गए आने में, तो बस इसीलिए। ये सिटी पार्क है, सिटी पार्क के सामने ये मिनी सिटी पार्क है, जो कि फाउंटेन है सिर्फ, यहाँ पर गार्डन वगैरह कुछ नहीं है। तो ये जो अंदर बैठे हुए हैं, यहाँ पर फाउंटेन वगैरह चलते हैं, अभी थोड़ा मतलब 9 बज गए, 9 बजे के बाद यहाँ पर सब बंद हो जाता है, तो अभी सब कुछ बंद है, लेकिन यहाँ पर सब फाउंटेन वगैरह चलते हैं। अब आए हैं हम चौपाटी, ये रहा अभी टोना, ये रहा रहाज, ये रानी, और जयपुर चौपाटी आए हैं। चौपाटी तो है जो कि वहाँ पर है ना, कहाँ नहीं, एक और जो चौपाटी है, हाँ ये जयपुर चौपाटी आए हैं, बहुत बड़ी चौपाटी है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, दिखाती हूँ मैं आपको। स्टार्टिंग है यहाँ से, पार्किंग वगैरह हमने कार यहाँ पर लगा दी, और ये जयपुर चौपाटी तो अंदर से दिखाती हूँ मैं आपको। सब लोग अभी फोटो वगैरह भी लेंगे, हम लोग रील्स वगैरह भी बनाएंगे बढ़िया से। ये रही जयपुर चौपाटी, जा रहे सब यहाँ से, ही हो गई एंट्री स्टार्ट, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, अंदर से दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, और यहाँ पर जो है म्यूजिक वगैरह चलता रहते हैं, और ये रहा गोला रानी, और वहाँ का भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो कितना प्यारा है। ये है जयपुर चौपाटी, बहुत बड़ी है, छोले भटूरे खा के छोले भटूरे खा लिए उन्होंने, ज्यादा ही खा लिए। जा रानी तू भी जा, बैठ जा। ये बैठ गए थक के खा पी के।
तो खा लिया पी लिया, अब जाएंगे हम लोग घर। थक गए बहुत ज़्यादा, दो जगह घूमे। सिटी पार्क तो बहुत बड़ा था लेकिन हम लेट गए थे, तो फिर हम यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर हम लोगों ने अच्छे से पेट पूजा कर ली, अब जाएंगे घर। और बच्चे देखो खिलौने वहाँ मिल रहे हैं, तो बस हर जगह बस वही चाहिए उनको खिलौने लेने के लिए। सब बच्चे बैठ गए वहाँ पर। गए थे सिटी पार्क गए थे, और उसके बाद में हम जयपुर चौपाटी गए थे। बहुत ज़बरदस्त व्लॉग बनाया है, व्लॉग को पूरा देखिए आप लोग और सपोर्ट कीजिए। और बस फिर आ गए थे हम लोग, और रात बहुत हो गई थी, और उसके बाद में मैंने इंट्रो शूट नहीं किया था। तो सुबह हो गई है और अब जाएंगे हम लोग मार्केट। तो थोड़ी देर के बाद मार्केट जाएंगे, दाड़ा मार्केट, तो वो मैं आपको दिखा दूंगी। एंड आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए माता पिता हंसीए, मुस्कुराइए, खुश रहिए, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।